श्रीलंका की राह पर इराक। जी हाँ, इराक में कुछ उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं जैसे कुछ हफ्ते पहले श्रीलंका में बन गए थे। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने जब राजनीति छोड़ने का ऐलान किया तो उनके समर्थकों ने बगदाद में बवाल मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इराकी संसद में भी प्रदर्शनकारी जबरन घुस गए। बगदाद की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। अल सद्र के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह टकराव हुआ। अब तक हिंसक झड़प में 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इराक में लंका कांड। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का नियंत्रण। फायरिंग की आवाज से गूंजा सरकारी महल। बगदाद में विरोध की चिंगारी शोलों में बदली। इराकी राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी। शाही पूल पर बगदाद की जनता का कब्जा। राष्ट्रपति का महल बना आंदोलनकारियों का अखाड़ा। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारी, हाथों में पत्थर, जुबा पर नारेबाजी। गोलियों की आवाज से दहला बगदाद। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में टकराव। ये बगदाद है या कोलंबो? बीती जुलाई में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जनता ने विद्रोह कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। अगस्त में उसी तरह की तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद से आ रही हैं। बगदाद में भी राष्ट्रपति के महल पर प्रदर्शनकारी घुस गए। इराकी संसद पर भी आंदोलनकारियों ने नियंत्रण कर लिया। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद उनके समर्थकों ने आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने सीधे इराकी सत्ता के सबसे बड़े केंद्र राष्ट्रपति के महल की तरफ कूच किया। बगदाद के पॉश ग्रीन जोन में हंगामा खड़ा हो गया। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की हैं। ये पूल इराक के राष्ट्रपति, उनके परिवार और मेहमानों के लिए सुरक्षित है। बिना इजाजत यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सारे नियमों को तोड़ते हुए इस पूल पर कब्जा जमा लिया। कोई पूल में कूद रहा था तो कोई तस्वीरें खिंचवा रहा था। शाही पूल में मस्ती करते हुए ये लोग एक तरह से इराकी प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। लोग पूल में तैर रहे थे, पानी से अटखेलियां कर रहे थे। आपको याद होगा कि श्रीलंका में जनता की बगावत के दौरान भी भीड़ ने इसी तरह राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं, इराकी राष्ट्रपति के महल के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। चार दीवारी से लेकर प्रांगण तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम था। कई लोगों के हाथों में झंडे थे। اقدامك او اقدامهم او جبروتهم تحت قدميك ونحن فداء لتحت لتراب قدميك يا ابا هاشم والنصر لنا। सरकारी महल पर कब्जा जमाए मुक्तदा अल सद्र समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। धमाकों की आवाज से पूरी फिजा गूंजने लगी। इस दौरान फायरिंग में कई लोग हताहत हो गए। अभी ये साफ नहीं है कि गोली किसने चलाई, क्योंकि इराक में हथियार सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं है। तमाम हथियारबंद गुट इराक में सक्रिय हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। वो एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं और खून बहाते हैं।
هاي ثورتنا ثورة عراقية بحتة، لا صدرية لا تشرينية لا أي شيء، ثورة عراقية. لابد أن يرجع العراق إلى أهله، لابد أن يرجع العراق ويحكمه أهله، وشكرا. صدر समर्थकों की झड़प सिर्फ पुलिस के साथ नहीं हुई, ईरान समर्थित गुट के लोगों के साथ भी उनका संघर्ष हुआ। दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने अपने विरोधी गुट पर आरपीजी से हमला किया। आरपीजी का मतलब है रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड। जहां ये झड़प चल रही थी वहां सुरक्षा कर्मियों के बख्तरबंद वाहन मौजूद थे। ये बगदाद के ग्रीन जोन की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन सद्र समर्थकों ने इसे निशाना बनाकर भी ग्रेनेड दागे। इराकी सेना के मुताबिक ग्रीन जोन में कई बार रॉकेट से भी हमला किया गया। आग की ये लपटें बगदाद में बद्र संगठन के कार्यालय से उठ रही हैं। धू धू कर इमारत जल रही है। दूर से नजर आ रहे शोलों की तपिश बताती है कि तबाही की आग कितनी भयंकर है, लेकिन ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। दरअसल बद्र संगठन शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र का विरोधी संगठन है। जब मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो उनके समर्थकों ने गुस्से में आकर अपने राजनीतिक विरोधी के दफ्तरों को फूंक दिया। قرار شعب واحنا كل احنا ناس سالمين ومظاهر سلميه نريد انتخابات مبكره وعلى القضاء يفتخر قرار يعني في حق الفاسدين। सद्र समर्थकों ने बगदाद के ग्रीन जोन को वॉर का रेड जोन बना दिया। ये वीआईपी इलाका है जहां कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन सद्र समर्थकों ने साबित कर दिया कि उन्हें ना तो कानून की परवाह है और ना सुरक्षा कर्मियों का डर। मुक्तदा अल सद्र समर्थकों ने यहां मशीन गनों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। मुक्तदा अल सद्र के समर्थक बंदूक से विरोध की परिभाषा लिख रहे थे। एक तरफ मशीन गने चल रही थी तो दूसरी ओर आरपीजी से ग्रेनेड दागे जा रहे थे। सुरक्षा बल भी उन पर काउंटर अटैक कर रहे थे। काफी देर तक बगदाद के ग्रीन जोन में बारूद बरसता रहा। बंदूक से निकली गोली शरीर को भेदने से पहले परिचय नहीं पूछती। इस हिंसक टकराव में दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी को पैर में जख्म लगे। घायल लोगों को रिक्शे में अस्पताल ले जाने की तस्वीरें भी सामने आईं।